सर के ऊपर पक्की छत हो, खाने को अनाज हो और तन पर कपड़ा हो। बड़ी भाई साहब झूठ ही बोल रहे हैं यार, 5 साल से कमाल ही होगी यार, सारे झूठ। मैं न्यू कर देंगा। क्या हुआ? हुआ कुछ ही नहीं। धरती पर कुछ हुआ जी? कागजों में हो दिया भाई, कागजों में तो बहुत कुछ। मारे उधर जाकर झूठ बोलते हैं कि भाई लहरिया गांव, बल्ले बल्ले भाई न्यू देख लो, चंडीगढ़ देख लियो चाहे लहरिया देख लियो। और भाई देखिए, मैंने तो देखा, मैंने सोचा भाई इतना मोटा लीडर गांव की सा होगा, तो मैंने देखा भाई जो तो मारे गांव पर गई है, हैं कुछ ही को नहीं है। और देखियो भाई, मैं तो जिस दिन फार्म भरने गया ना लहरिया वालों, सच बताऊंगा मैं, झूठ झाट नहीं बोलता। और मैं एक बात और बता दूं जी, जो लीडर झूठ बोलते हो आप लोग ताड़ियां बजाते हो, आप ताड़ियां नहीं बजाते झूठ के ऊपर। जे मान लो अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो जी, कुर्तियां पकड़ दिया करो जहां से, कॉलर पकड़ दिया करो। जब लीडर झूठ बोलते हैं तो आपके बच्चों का भविष्य सिक्योर होगा? नहीं, आप मारे जाएंगे जी सारे। ये मान लियो, मेरे को एक बात की समझ नहीं आवे, अभी अभी बीजेपी वाले गए होंगे, उन्होंने राष्ट्र का नाम जरूर लिया होगा कि मैं राष्ट्रवादी हूं, मैंने वोट दी हो कहा ना, तब कहते हैं ना। लेकिन मैंने भाई एक बात की समझ नहीं आई, थे पूछना बीजेपी वालों से कि भाई मैं मान लिया कि थे राष्ट्रवादी हो, पक्के हो राष्ट्रवादी? हम ये नहीं कहते भाई आप राष्ट्रवादी नहीं हो, लेकिन मैंने न्यू बताओ भाई वो राष्ट्रवादी है, आप कौन से देशद्रोही इकट्ठे हुए हैं जे बताओ, है आप देशद्रोही इकट्ठे हो रहे हैं? बेकूफ बनाते हैं जी सारे, कमाल की बात है जी। 2014 का मैनिफेस्टो में एक भी काम बता दे कौन सा किया, कुछ नहीं किया जी। और मैं तो आपसे जो वादा किया है कि आपको, क्योंकि अपने बुजुर्ग कहते हैं ना जी भाई, अगर कोई बोलने वाला है वो तो शाम तक एक क्वांटल बेर भी बेच देता है, अगर भाई कोई बोलने वाला नहीं है तो उसके रेड़ी पर सारा दिन सेब भी पड़े रहते हैं, ये को नहीं था। इसलिए आपको गर्व होगा कि हमने गठबंधन को वोट दी, एक तरफ तो दो ईमानदार बंदे हैं जी और एक तरफ सारे बेईमान हैं। और एक बात और है लहरिया वालों, मैं तो आपसे यही निवेदन, एक बात पूछूंगा भी भाई, आपने कितने 5-7 एमपी तो बनाए होंगे ना, कितना बनाए को नहीं, कितने बनाए? 5-7 तो बना लिए, तो फिर एक महीने बना लो जी, के पहाड़ टूटन वाला है, है बना दियो जी, मैं तरी सेवा कर देंगे, के होएगा जी जिथे इतने बना लिए, एक बार महीने बना लियो जी। और आपको एक बात का विश्वास और एक बात की कसम खा कर जाता हूँ मैं मेरी माँ की इस चबूतरे पर, आपके मान सम्मान में कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे, ये बात का वादा जी। आप नमस्कार, आप हैं एवन हरियाणा के साथ और मैं नवल सिंह आपको ले चलता हूँ टोहाना विधानसभा के क्षेत्र लहरिया गांव में, जो कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र में ही है। और आज हमारी मुलाकात हो रही है सिरसा लोकसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी व जेजेपी पार्टी के संयुक्त जो प्रत्याशी हैं निर्मल सिंह से। तो निर्मल सिंह जी से हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे इनकी पूरी दिनचर्या के बारे में, वो किस तरह से सिरसा लोकसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो निर्मल जी, आप पूरे सिरसा लोकसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, संयुक्त प्रत्याशी हैं, तो किन बातों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और रिस्पॉन्स क्या है? जैसे आम लोगों का जीवन बसर और जैसे दो की बात करें तो आम आदमी के क्या मुद्दे हैं, आम आदमी के मुद्दे क्या है, आम आदमी को अच्छी शिक्षा मिले और आम आदमी में हालात मिले और आम आदमी के बीच से सबके ऊपर शब्द हो, खाने को अनाज हो, चलने को कपड़ा हो और आम मुद्दे भी ये दोनों आदमी के लिए। और सबसे बड़ी बात हमारी जो बेटियाँ स्कूल कॉलेज जाती हैं बच्चों में, उनके लिए प्रशिक्षण, तो हम समझते हैं कि अगर यह तरफ का ही जो स्कूलों में बनते रखती अलग से, तो हमारी बेटियों के लिए भी ऐसी व्यवस्था बने जिसमें वो अलग से बच्चों से अपने स्कूल पाई जाए। और यही मुद्दे जी बिल्कुल, पर एक बात और हम जानना चाहेंगे, सांस्कृतिक कर्मी के तौर पर आप जानते हैं
सांस्कृतिक कर्मी से राजनीतिक कर्मी होने में ये कैसे बदलाव आया? मैं आपकी एक बात बता दूँ, आपके बात करी दुनिया का काम से होता है, चाहे वो कार मैकेनिक हो, चाहे वो गाड़ी मैकेनिक हो, चाहे कोई भी काम लगा लो, कोई बंदा किसी को कोई काम कर सकता है। लेकिन जो एक कविता लिखने वाला कवि होता है, जो पंजाब उसको शायर बोलते हैं, शायर और कविता लिखनी किसी को कोई नहीं सिखा सकता, वो एक बॉर्ड गेम होता है। और एक बात मैं और बता दूँ, वैसा मैं मेरी बात नहीं करता, पूरी दुनिया में कहीं चला जाओ जो कवि होता है ना, वो कभी झूठा नहीं होता, वो सच्चा होता है। कवि होता है जो कवि की सोच, आप कविताएँ पढ़ते होंगे ना, कवि की सोच वो होती है कि जो एक समाज के हित में हो। कवि ने आज तक समाज के हित की बात, समाज को सुंदर बनाने की बात ही की है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये तो एक जज्बा और जुनून था कि ये बेईमान लोग इकट्ठे हुए सारे देश को लूट के खा जाएंगे, जब हमारे जैसे आम बंदे आगे नहीं आएंगे, भाई देश कैसे बसेगा? कभी हृदय आपका जागृत हुआ, आपको लगा कि ये जो वर्तमान व्यवस्था है इसको बदला जाना चाहिए, उसके तहत आप आए? और आपने एक बात और भी कही थी कि निर्मल सिंह के पास ना तो गाड़ी है ना साइकिल है, उसकी टल्ली है, जब वो टल्ली खड़केगी तो क्या बदलाव लेके आ रहा है? ये सिरसा की जब आवाज़ उठेगी तो क्या मानते जीत कर जाएंगे? तो क्या महत्वपूर्ण चीज़ है, पहली दो चीज़ें जो करने जा रहे हैं? पहली दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण यही होगी, पहला काम तो मेरी सोच है भाई कि हमारा जो सिरसा और हिसार क्षेत्र है, ये दोनों कपास और नरमे की खेती होती है ज़्यादा, और जहाँ जहाँ इस दोनों डिस्ट्रिक्टों को कहीं ना कहीं एक कपड़ा मिल लग गए, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 10,000 से 20,000 लोगों को रोजगार मिल सकता है, और आम जन को एक सुविधा मिल सकती है। एक व्यापारी वर्ग लगा लो, किसान वर्ग लगा लो, मजदूर वर्ग लगा लो, एक प्रोजेक्ट लगने से खुशहाल हो जाएंगे। और अगर दूसरी बात करें, दूसरी यही है कि हमारे इस पूरे सिरसा और फतेहाबाद नरवाना के बच्चे पढ़ने के लिए चंडीगढ़ भेजे जाते हैं, इनके लिए कोई बड़ी यूनिवर्सिटी जिसमें उनका कोई खर्च ना हो, जैसे वहाँ जाकर पीजीओं का खर्च उठाते हैं और प्राइवेट स्कूलों की, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों ने लूट मचा रखी है, जो लूट बंद करने के लिए कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी हो। और एक मेरा कहने का मतलब, इस दोनों डिस्ट्रिक्टों में कहीं ना कहीं एक पीजीआई की ब्रांच आ जाए, जिसमें जो प्राइवेट डॉक्टर खा के लोगों को दवाई और इलाज फ्री हो जाए, जहाँ पीजीआई का कोई सिस्टम बन जाए। जिन्हीं बातों को जी बिल्कुल आपने एक बात की, सांस्कृतिक कर्मी के द्वारा कराता हूँ, और सांस्कृतिक कर्मी हर चीज़ पे कुछ ना कुछ लिखता है, इस चुनाव पर भी कुछ लिखा? चुनाव पर लिखा था जी मैंने, आपको सुना दीजिए हमें भी। मेरा कहने का मतलब जी, मैं तो एक लाइन लिखी थी, हाँ जी, देखो मोदी जी के ठाठ, ठीक है ना जी, तो भीतर रोवे व्यापारी ते बाहर रोवे जाट। तो ये थे हमारे साथ निर्मल सिंह जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की और उन्होंने बताया कि किस तरह से आज प्रदेश के हालात हैं, और अगर उनकी सरकार आती है, वो सांसद बनकर आते हैं, तो किस तरह से सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लिए बदलाव लेकर आने वाले हैं। जुड़े रहें हमारे साथ A1 हरियाणा के साथ, और देखते रहें जो जो पल पल की खबर है।